हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं अमरदीप, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज में। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा प्रीक्लैम्पसिया टेस्ट, कि प्रीक्लैम्पसिया क्या होता है, ये किसके कारण होता है, या प्रीक्लैम्पसिया किसके कॉजेस क्या क्या होते हैं, इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं, और इसे डायग्नोज करने के लिए यानी प्रीक्लैम्पसिया को जांचने के लिए कौन सा ब्लड का टेस्ट कराया जाता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स आज का अपना वीडियो कि प्रीक्लैम्पसिया क्या होता है। फ्रेंड्स, प्रीक्लैम्पसिया का मतलब होता है कि जो पेशेंट है ना, जो प्रेगनेंसी टाइम में, यानी कि ये टेस्ट जो होता है या प्रीक्लैम्पसिया की जो प्रॉब्लम आती है, ये प्रेगनेंसी के टाइम में ज्यादा आती है। कई बार आफ्टर प्रेगनेंसी भी हो सकता है, लेकिन ज्यादातर जो होता है ये प्रेगनेंसी टाइम में होता है। तो जो फीमेल्स प्रेग्नेंट होती हैं उनमें लगभग ये 20 वीक्स के अराउंडिंग, यानी कि प्रेगनेंसी के 20 वीक्स पे इसकी प्रॉब्लम ज्यादातर देखने को मिलती है। वैसे पहले भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है कि पहले नहीं हो, लेकिन ज्यादातर चांस जो होते हैं ये 20 वीक्स के बाद ही इसके चांस बढ़ जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या है 32 वीक्स के आसपास भी ये हो सकता है। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट है ना, जो हमारे प्रेग्नेंट फीमेल्स हैं, उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाता है। ठीक है, यानी कि जो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है, जैसे हम जिसे हम बोलते हैं 120/80, ठीक है, यानी कि 120/80 जो होता है वो हमारा नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है। यानी कि जो हमारा ऊपर का ब्लड प्रेशर, जैसे हम ब्लड प्रेशर को दो टाइप में बोलते हैं, जैसे कि ऊपर वाला और नीचे वाला, तो जो हमारा ऊपर वाला होता है वो सिस्टोलिक बोला जाता है उसको, और जो हमारा नीचे का ब्लड प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक बोलते हैं। तो जो हमारा सिस्टोलिक होता है वो 120 होता है, और जो हमारा डायस्टोलिक होता है वो 80 होता है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा डायस्टोलिक जो हमारा सॉरी सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो लगभग 140 से ऊपर चला जाता है, और जो डायस्टोलिक है वो 90 से ऊपर चला जाता है। ठीक है, अगर हम ऐसे बात करें कि ये 160 से और 140 के बीच में रहता है, तो इसे इस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि प्री इंक्लैम्पसिया हो रहा है। ठीक है, दूसरे हम बात करें फ्रेंड्स इसके अंदर की, जो यूरिन के अंदर ना प्रोटीन रिलीज होने लग जाता है, यानी कि जो यूरिन जब पास आउट करती है फीमेल्स, जो प्रेग्नेंट फीमेल है, तो उनके यूरिन के थ्रू जो हमारा प्रोटीन है वो रिलीज होने लग जाता है, जिस कंडीशन को बोला जाता है प्रोटीन यूरिया, यानी कि यूरिन के थ्रू प्रोटीन पास हो रहा है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे अदर ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। जब मान लो हमारा बीपी बढ़ेगा तो हमारा हाइपरटेंशन हो सकता है। ठीक है, ये हमारे हार्ट को भी इफेक्ट डालता है, और कई बार ये हमारे ना बच्चे जो फीटस है, जो मदर के पेट में जो बच्चा है, उसको भी ये काफी ज्यादा इफेक्ट डालता है, क्योंकि पहला तो ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा क्या है फ्रेंड्स की जब प्रोटीन रिलीज होने लग जाए यूरिन के थ्रू, तब भी हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स की, जो हमारा ये प्रीक्लैम्पसिया है ये दो टाइप का होता है। कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है फ्रेंड्स माइल्ड प्रीक्लैम्पसिया, और एक होता है सीवियर प्रीक्लैम्पसिया। ठीक है, तो माइल्ड प्रीक्लैम्पसिया क्या होता है कि इसके अंदर जो हमारा ब्लड प्रेशर का लेवल है ना, वो रहता है हमारा 140/90, या इससे थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, लेकिन 160 से नीचे रहता है। तो इस कंडीशन को बोला जाता है हमारा माइल्ड प्रीक्लैम्पसिया। अब बात करें हम सीवियर प्रीक्लैम्पसिया की, तो सीवियर में क्या होता है कि हमारा जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 160 से ऊपर हो जाता है, और डायस्टोलिक जो हमारा वो 110 से ऊपर चला जाता है, यानी कि वो सीवियर प्रॉब्लम आ जाती है, और वो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है दोनों के लिए, मदर्स के लिए भी और फीटस के लिए भी। ठीक है, आगे बात करें फ्रेंड्स, जब जब हमारा सीवियर प्रीक्लैम्पसिया होगा तो हमारे यूरिन के अंदर जो प्रोटीन्स है वो भी काफी ज्यादा रिलीज होने लग जाएगा, तो उस जो वो सिचुएशन बन जाती है वो काफी ज्यादा खतरनाक बन जाती है। तो इसलिए तुरंत ही अगर इस तरह की आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है, आपकी प्रेगनेंसी के टाइम में अगर आपको लग रहा है कि मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए आपको। ठीक है, क्योंकि प्रीक्लैम्पसिया काफी ज्यादा खतरनाक बीमारी होती है, और इससे क्या है ना, जो आपका आने वाला बच्चा है उसके अंदर भी डिसऑर्डर आने का पूरा पूरा चांस हो जाता है, कई बार उसके अंदर डाउन सिंड्रोम जैसी कंडीशन भी बन जाती है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स हम की प्रीक्लैम्पसिया को डायग्नोज करने के लिए ब्लड में कौन सा टेस्ट कराना होता है। नॉर्मली हम इसमें ब्लड काउंट भी करा के देख सकते हैं, क्योंकि प्लेटलेट कम हो जाता है, अगर प्रीक्लैम्पसिया की प्रॉब्लम है तो हमारा प्लेटलेट डाउन हो जाता है। ठीक है, कई बार हमारे ये किडनी पर भी इफेक्ट डालता है, तो डॉक्टर ज्यादातर इसके साथ में क्रिएटिनिन यूरिया टेस्ट भी ज्यादातर कराती है, साथ में कई बार हमारे ये लिवर में भी थोड़ा सा इफेक्ट आ सकता है, तो LFT टेस्ट भी डॉक्टर साथ में कराते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है प्रीक्लैम्पसिया को डायग्नोज करने के लिए, वो होता है PLGF, यानी कि प्लेसेंटल ग्रोथ फैक्टर, जिसका नाम है
मतलब इसका पूरा नाम है, शॉर्ट में इसको PLGF बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो टेस्ट है PLGF, ये 10 वीक से लेकर 37 वीक तक कराया जा सकता है। तो नॉर्मली इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, जैसे कि आमतौर पर एक सभी ब्लड टेस्ट का सैंपल लेते हैं, सेम उसी तरीके से इसका सैंपल लेना होता है। सीरम सेपरेटिंग ट्यूब के अंदर इसका सैंपल लिया जाता है, जो हमारी SST वायल होती है उसी के अंदर हम इसका सैंपल लेते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हम इस टेस्ट को प्रोसेसिंग लैब के लिए भेज देते हैं, ठीक है। 2 से 3 दिन के अंदर ही हमें इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, कई बार हमें नेक्स्ट डे भी मिल जाती है कुछ बड़ी लैब्स के अंदर। आगे बात करें फ्रेंड्स हम इसकी, कि इसके अंदर कोई हमें खाली पेट या इस तरह की कोई रखने की जरूरत होती है तो ऐसा इसके अंदर कोई मैंडेटरी नहीं है, कभी भी ये टेस्ट कराया जा सकता है, ठीक है। अब आगे फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि जो हमारा ये प्रीक्लैम्प्सिया है ये होता क्यों है, यानी कि इसके कारण क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पर आपको बताऊं तो इसके जो सारे कारण है, जैसे कि पेशेंट अगर कोई हैवी वेट है, यानी कि पेशेंट को मोटापा ज्यादा है, तब भी प्रीक्लैम्प्सिया होने का चांस हो सकता है। किसी पेशेंट को पहले से ही ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहती है, यानी कि उसका कोई पारिवारिक हिस्ट्री है ब्लड प्रेशर की, तब भी फ्रेंड्स प्रीक्लैम्प्सिया होने का चांस हो जाता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कई बार प्रेगनेंसी टाइम में बढ़ जाता है, ठीक है। एक आता है फ्रेंड्स इसके अंदर कि उसको पहले से ही कोई इस तरह की प्रॉब्लम रही है, यानी कि उसकी फर्स्ट प्रेगनेंसी में भी अगर प्रीक्लैम्प्सिया उसको रहा है, तब भी उसको सेकंड प्रेगनेंसी में होने का चांस हो जाता है। और फ्रेंड्स इसके अंदर आता है कि कोई लूपस या कोई इस तरह की ऑटो एंटीबॉडी अगर उसके अंदर प्रेजेंट है, तब भी फ्रेंड्स हमारा जो प्रीक्लैम्प्सिया होने का चांस रहता है। उसको कोई किडनी की प्रॉब्लम है, तब भी प्रीक्लैम्प्सिया होने का चांस हो जाता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स हम यहाँ पर इसके सिम्टम की, कि इसके सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम होते हैं, तो फ्रेंड्स इसके सिम्टम होते हैं हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, यूरिन के अंदर प्रोटीन जाना, तेज सिर दर्द, हेडेक वगैरह इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है, चेहरे और हाथ पैरों में सूजन आ सकती है, यानी कि स्वेलिंग भी आ जाती है इसके अंदर, ठीक है। और कई बार हमें वॉमिटिंग फील होती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस हो सकती है, कई बार हमारी आई साइड यानी कि हमारी दिखाई देने में भी कई बार हमें फर्क लग सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फ्रेंड्स जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।